इंद्री के देवान पैलेस में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रामकुमार कश्यप मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और साथ ही हल्के के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। रायपुर वाले नीरम सिंह जी, रायपुर वाले जिन्होंने करनाल जिले में बढ़िया कार्य किया है वो आ जाएं। कुमार जी बाबूराम जी गढ़ से हैं, क्रॉप रेवेन्यू मैनेजमेंट। अजीत सिंह जी करतार संघ किचन गार्ड आया में छत पे किया है और बड़ी सुंदर सब्जी मंदहान। किसान मेला था, इसमें जो हमारे कृषि विभाग के, बागवानी विभाग के और पशुपालन विभाग के जितनी भी स्कीम और उपकरण हैं उनकी सबको जानकारी दी गई। जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसके बारे में सबको बताया गया और जितने भी हमारे नए इक्विपमेंट्स आए जिन पे सरकार की भिन्न भिन्न सब्सिडीज हैं उनके बारे में सबको बताया गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी स्टबल बर्निंग वाली जो पराली जलाने वाली समस्या थी उससे भी निजात मिलेगी और जो नए उपकरण आए हैं इनसे हमारी खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। भागीदारी भाई है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया वालों का, टेंट वालों का और साउंड वालों का और हमारे कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं सभी का। यहाँ पर प्रेरणा सूत्र जो हमारे डी साहब भी है उनका धन्यवाद करता हूँ। ये आज एक प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली बताया गया कि किस किस योजना को अपना करके किसान जो है अपनी आमदन को बढ़ा सकता है, आमदन को बढ़ाने के साथ साथ देश को आगे ले जाने में अपना अहम योगदान निभा सकता है। अब देखिएगा ये साथ में अगर देखें लेफ्ट साइड में उपकरण जो मतलब खेती में काम आने वाले हैं इन उपकरणों की अपना करके इनकी सब्सिडी भी है तो किसान जो है बहुत ही आसानी से अपनी खेती को पैदावार लेकर करके पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये आज का मेन अवसर है, क्योंकि कितना फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा तो किसान जो भाई लोग आए हैं जो इस तकनीक को अपनाएंगे, इस इनकी बात मानेंगे उनको फ़ायदा होगा। जो भाई इस बात को मानने वाले नहीं है फिर जैसे चल रहा है तो वैसे होता रहेगा। बात तो ये है, दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा को उसके मन मुताबिक परिणाम नहीं मिले, इसके क्या कारण है? ठीक है, कारण क्या है? कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, परंतु ऐसा है हमारी हाई कमांड जो है राष्ट्रीय लेवल की इसके ऊपर विचार करेगी, जो कमियां